नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल डीजल के बाद अब रेल टिकट के किराए भी कम होने जा रहे हैं। जी हां, कोरोना की वजह से रेगुलर ट्रेनों पर रोक लगा दी गई थी, इसकी जगह स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि कोरोना भी काबू में है और स्थिति भी काफ़ी सुधर चुकी है, ऐसे में रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर रेगुलर ट्रेनों को शुरू कर दिया है। रेलवे ने जानकारी दी है कि कुछ दिनों के अंदर ही 1700 से अधिक रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर कर दी जाएगी। जारी सर्कुलर में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब फिर प्री कोविड वाले रेट लागू कर दिए जाएंगे, मतलब अभी तक जो स्पेशल किराया दिया जा रहा था अब वो बदल जाएगा और फिर रेगुलर किराया देना होगा। इस सब के अलावा अब जनरल टिकट वाला सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है। कहा गया है कि अब सिर्फ रिजर्व और वेटिंग टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति मिलेगी, जनरल क्लास वाली टिकट मौजूद नहीं रहने वाली है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पहले से बुक हो चुकी ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा किराया नहीं वसूला जाएगा, वहीं कोई पैसा भी वापस नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण देश में 25 मार्च 2020 से ट्रेन सेवा अस्थायी तौर पर रोक दी गई। रेलवे के 166 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि इस दौरान ट्रेन से माल की आवाजाही चालू रही, सिर्फ यात्री ट्रेनें बंद रहे। इसके बाद मई 2020 से पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और बाद में स्पेशल ट्रेनों के रूप में भारतीय रेल ने फिर से दौड़ना शुरू किया। रेगुलर ट्रेनों में नंबर में बदलाव कर उन्हें स्पेशल ट्रेनों के रूप में संचालित किया गया। इन ट्रेनों में नॉर्मल से 30% ज्यादा किराया वसूला जा रहा था। कोरोना काल में रेगुलर ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा था। ट्रेन नंबर से पहले 0 लगाकर इन्हें स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा था। रेलवे के ताजा फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रेल यात्रियों को अब यात्रा के लिए अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। स्पेशल का दर्जा होने के कारण यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा था। सामान्य होते ही ट्रेन का किराया कम हो जाएगा, ये बड़ी राहत की बात है। ट्रेनों के नियमित परिचालन के बावजूद राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियर ट्रेनों में भी पेंट्री में कोरोना काल वाली स्थिति रहेगी। जी हाँ, यानी आपको ताजा खाना नहीं मिलेगा बल्कि रेडी टू ईट फूड मिलेगा। कोरोना के दौर में रेडी टू ईट की ही व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसे लेकर शिकायतें आ रही हैं। कीमत से लेकर क्वालिटी को लेकर यात्री शिकायत कर रहे हैं। यात्री रेडी टू ईट फूड को लेकर बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना काल से पूर्व यात्रियों को मिलने वाली विशेष छूट भी बहाल नहीं की गई है। इसमें बुजुर्गों को रेल किराए में मिलने वाली छूट भी शामिल है। संचालन ठप होने से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए रेलवे ने किराए में दी जाने वाली रियायतें खत्म कर दी हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही कुल 30 श्रेणी में मिलने वाली रियायत शामिल थी। देश में कोरोना महामारी आने के बाद हमें और आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, पर अब धीरे धीरे हालात ठीक होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ही सही पटरी पर वापस लौट रही है। पेट्रोल डीजल के वेट कम होने के बाद अब रेलवे ने भी जनता को थोड़ी राहत जरूर दी है। इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार, जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।